देखिए भैया, देखिए मैं जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ और क्वेश्चन साथ में करा दूंगा, ठीक है। फोर्स तो आपको पता ही है, 50 बार बता रखा है, इफेक्ट ऑफ पुश और पुल। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन, फोर्स कैन चेंज द स्पीड, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। फोर्स कैसा वेक्टर होता है? पोलर वेक्टर होता है। एरिस्टोटल फालेंसी कहता है कि अगर किसी बॉडी को धरती पर यूनिफॉर्म स्पीड से रखना है तो उसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा? लगातार फोर्स लगाना पड़ेगा। फिर आए थे लॉ ऑफ इनर्शिया पे। लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है कि भैया कोई भी बॉडी अपने आप से अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकती। अगर उसके स्टेट को चेंज करना है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर मैं बात करूँ हमारे पास इनर्शिया के टाइप, तो भैया हमारे पास 3 टाइप के इनर्शिया होते हैं। पहला होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहता है अगर वो भी बॉडी रेस्ट में है तो अपने आप से अपनी रेस्ट वाली सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकती। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल एग्जाम्पल पढ़ लेना, यहाँ से आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है भैया। फिर आता है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन कहता है भैया अगर कोई बॉडी मोशन में हो तो उसके पास जो इनर्शिया होगा वो इनर्शिया ऑफ मोशन रहेगा, और इनर्शिया कहेगा भैया लगातार बॉडी क्या हो जाए? मोशन में ही रहे, ठीक है भैया। और इसके भी एग्जाम्पल आपको याद रखना, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के भी एग्जाम्पल बहुत सारे आते हैं, ठीक है। कोई बॉडी अपनी डायरेक्शन को खुद ब खुद चेंज नहीं करना चाहती। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम आप सबको याद होगा, ठीक है भैया। इफेक्ट ऑफ फोर्स, अगर किसी बॉडी के ऊपर आप फोर्स लगाते हो तो बॉडी के अंदर वेलोसिटी आती है, तो वहां पे जो क्वांटिटी आती है उसको लीनियर मोमेंटम कहते हैं, और ये प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का। SI यूनिट क्या होती है? केजी मीटर पर सेकंड, ठीक है। और यहाँ पर काफी सारे ग्राफ बनाए थे तो आपको याद होगा, ठीक है। फिर बात करता हूँ भैया न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में फर्स्ट लॉ है भैया, कहता है भैया टू फर्स्ट लॉ कहता है भैया कि एवरी बॉडी कंटिन्यूस इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस इज कंपेल्ड बाय द सम एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज दैट स्टेट। कह रहा भैया हर बॉडी जो होती है अपनी क्या करता है? उसी स्ट्रेट में रहना चाहती है, चाहे वो रेस्ट में, चाहे वो मोशन में, चाहे वो स्ट्रेट लाइन में एक ही डायरेक्शन में चल रही हो। वो अपनी डायरेक्शन को चेंज या अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई बाहर से फोर्स ना लग जाए और वो उसको डायरेक्शन को चेंज ना कर दे, ठीक है भैया। डिस्कशन ऑफ फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ कहता है भैया फर्स्ट लॉ के 3 पार्ट होते हैं। अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी, बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही तो चलती रहेगी। कब तक? जब तक कि ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग करके उसके डायरेक्शन को चेंज ना कर दे। इसके एग्जाम्पल को याद रखना, ठीक है भैया। अब ठीक है, अगला कह रहा है भैया डिफाइन न्यूटन फर्स्ट लॉ। डिफाइन न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो फोर्स को डिफाइन करता है। फोर्स को कैसे डिफाइन करता है भैया? फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जब तक किसी बॉडी के ऊपर फोर्स नहीं लगता बॉडी अपनी स्टेट को चेंज नहीं करती। इसका मतलब फोर्स क्या है? एक ऐसी एजेंसी जो बॉडी की स्टेट को क्या करता है? चेंज कर देता है, ठीक है। चलो न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है, फर्स्ट लॉ डिफाइन इनर्शिया। फर्स्ट लॉ इनर्शिया को कैसे डिफाइन करता है भैया? तो ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ एक बॉडी कभी भी अपनी स्टेट को खुद ब खुद चेंज नहीं कर सकती जब तक कि उसके ऊपर फोर्स ना लग जाए। इसका मतलब बॉडी की क्या है? इनएबिलिटी है, वो अपनी स्टेट को कभी भी चेंज नहीं कर सकती। इसी को हम क्या कहते हैं भैया? इनर्शिया कहते हैं। हाँ बोल। अरे यहाँ पे मेरे सेंटर पे ठीक है। इसी को भैया क्या कहते हैं भैया? फर्स्ट लॉ कहता है भैया कि कोई भी बॉडी एक्सटर्नल फोर्स से बगैर अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकती। इसका मतलब बॉडी की इनएबिलिटी है कि अपनी स्टेट को कभी खुद ब खुद चेंज नहीं। इसी इनएबिलिटी को हम क्या कहते हैं भैया? इनर्शिया है। फर्स्ट लॉ डिफाइन लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। ठीक है, एग्जाम्पल याद है इनर्शिया फ्रस्ट के, हॉर्स सडनली रुक जाता है, हॉर्स सडनली स्टार्ट कर जाता है तो आदमी पीछे की तरफ गिर जाता है। आपको बताया था इनर्शिया डिपेंड करता है बॉडी के मास पे। बॉडी का मास जितना ज्यादा होगा उसका इनर्शिया क्या होगा? उतना ज्यादा। चाहे कोई सा भी इनर्शिया, सारे इनर्शिया उसके हमेशा क्या होंगे? ज्यादा होंगे। अगर बॉडी का मास क्या है? ज्यादा है। अगर बॉडी का मास कम है तो सारे इनर्शिया उसके क्या होंगे? कम होंगे। और जब इनर्शिया कम होता है तो बॉडी जल्दी से अपनी स्टेट को चेंज कर सकती है, मतलब कि जल्दी से वो मोशन में आती है, जल्दी से वो रेस्ट में आ जाती है, जल्दी से अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है, ठीक है भैया। एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था। एग्जाम्पल बेस्ड ऑन द इनर्शिया ऑफ मोशन। मोशन के ऊपर जो एग्जाम्पल बेस्ड है वो है भैया अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी। जिस बॉडी का जितना ज्यादा मास होता है वो उतनी देर तक क्या रहती है? मोशन में खुद को रख पाती है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिए थे, वैन अ हॉर्स सडनली फास्ट रनिंग, वैन अ हॉर्स रनिंग फास्ट सडनली स्टॉप, ठीक है। तो राइडर क्या होता है? आगे की तरफ गिर जाता है। रीजन बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि जब घोड़ा एकाएक रुकता है तो भैया बॉटम पार्ट का मास क्या होता है? कम होता है। बॉटम पार्ट का मास कम होने की वजह से क्या होता है भैया? उसका इनर्शिया भी क्या होता है? कम होता है। वो तुरंत क्या होता है? घोड़े के साथ रेस्ट में आता है। लेकिन अपर पार्ट का मास ज्यादा होता है, उसका इनर्शिया क्या होता है? ज्यादा होता है। वो तुरंत क्या होता है? मोशन में आ जाता है, ठीक है भैया। बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे। न्यूटन सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या कहता है भैया? कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब क्या होता है? डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी। जितना ज्यादा फोर्स उतना ही ज्यादा क्या होगा? मोमेंटम में चेंज होने का रेट रहेगा, ठीक है भैया। अच्छा
ये दो पार्ट से मिलके बना होता है। अगर भैया ज्यादा फोर्स लगेगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा? ज्यादा होगा। और ये अगर फोर्स कम लगेगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा? कम होगा। ठीक है भैया। अगर और तीसरा दूसरा पार्ट क्या है भैया? जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है उसकी डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन होती है। अगर फोर्स की डायरेक्शन मोशन की डायरेक्शन लग रही है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव साइन ये बताएगा कि मोशन और फोर्स दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब फोर्स मोशन से क्या लग रहा है? अपोजिट लग रहा है। फॉर्मुला ऑफ फोर्स देखिए, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है भैया? तो आपको बताया फोर्स इज डायरेक्टली इक्वल टू डेल्टा पी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो एफ इक्वल्स टू में के टाइम्स ऑफ डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी। तो के की वैल्यू क्या होती है आपकी? वन होती है। तो इसको लिख सकते हो एफ इक्वल्स टू में डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी। ये फॉर्मूला काफी ज्यादा बार रखा है, सेकंड लॉ की डेरिवेशन। अच्छा, डेल्टा पी यानी है मोमेंटम के अंदर जो चेंज हुआ है, किसकी वजह से चेंज हुआ है? वेलोसिटी की वजह से। तो आप इसको क्या लिखोगे? एम इंटू में डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी। डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो फोर्स क्या हो गया? मास इंटू में एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन वेक्टर इक्वल्स टू फोर्स वेक्टर। इस तरीके से इसे वेक्टर लॉ भी कहते हैं। तो इसमें आने वाला रिजल्ट क्या होता है? वेक्टर होता है। फोर्स का फॉर्मूला ये है। ठीक है, धन्यवाद। अगर मैं बात करूं भैया फोर्स कैसी क्वांटिटी है, तो फोर्स भैया एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है भैया, फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। और फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों की डायरेक्शन क्या होती है? सेम होती है। फोर्स और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है उसी डायरेक्शन में बॉडी का क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। ठीक है भैया। अगर मैं बात करूं फोर्स की, दो यूनिट होती है। एक होती है एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स। एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स का मतलब क्या होता है भैया? कहा गया भैया, एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स। एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है? थ्रू आउट यूनिवर्स क्या होती है? कॉन्स्टेंट होती है। ठीक है, इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। लेकिन एक होती है ग्रेविटेशन यूनिट ऑफ फोर्स। ये प्लेस टू प्लेस क्या करती है? वेरी करती है। अलग अलग प्लेनेट की ग्रेविटी अलग अलग होती है। तो इसलिए किसी भी ये वाली जो इसके थ्रू अगर आप जो यूनिट दोगे फोर्स की, वो क्या होगी? वेरिएबल होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने इसका एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, 1 kg मास पर, 1 kg मास पर 1 न्यूटन का फोर्स लगाओ तो एक्सेलरेशन क्या मिलेगा? 1 m/s², ये एक्सेलरेशन मिलेगा। फोर्स ये है, मास ये है, और एक्सेलरेशन ये होगा। ठीक है, यानी अगर कोई बॉडी जिसका मास 1 kg है और उसका एक्सेलरेशन 1 m/s² है, तो इसका मतलब उसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है? 1 न्यूटन का लग रहा है। क्या लग रहा है? लेकिन अगर मान लीजिए मैं इसी 1 kg को हर प्लेनेट पे रखूं, तो इसी 1 kg का वेट क्या होगा? अलग अलग हुआ। यानी ग्रेविटेशन फोर्स क्या होगा? अलग अलग हुआ। तो इसका मतलब ग्रेविटेशन फोर्स क्या भैया? हर प्लेनेट के लिए, इसी 1 kg मास के लिए क्या होता है? अलग अलग होता है। लेकिन ये वाला हर जगह पर क्या होता है? सेम रहता है। 1 किलो मास पे अगर आप 1 न्यूटन का फोर्स लगाते हो, तो उसके अंदर एक्सेलरेशन आपको 1 m/s² ही मिलेगा। फिर आपको बताया था भैया न्यूटन सेकंड लॉ, कंपोनेंट फॉर्म कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है भैया, कैसे है, क्या करना है इसमें? तो भैया ध्यान रखना, न्यूटन का सेकंड लॉ, एफ वेक्टर इक्वल्स में क्या होता है? डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा। तो भैया ये ध्यान रखना कि आपको पी की वैल्यू क्या रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर रख दो इसे, इफ डेल्टा डी टेल्स टू, याद है आपको, 0 हो जाए तो क्या होता था? ये डिफरेंशियल फॉर्म में लिख देते थे। क्या लिखते थे? एफ इक्वल्स टू में डीपी अपॉन में डीटी, याद है? ठीक है, पी की वैल्यू क्या है? यहाँ पर क्या है? पी एक्स आई कैप, पी वाई जे कैप, पी जेड के कैप, है ना, अपॉन में डीटी। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करो इसको, तो आई बाहर आएगा, आई बाहर आएगा डी एक्स अपॉन में डी टी, सॉरी पी एक्स अपॉन में डी टी क्या होगा? तो ये होगा ना डी पी एक्स अपॉन में डी टी। यहाँ पर जे बाहर आएगा, क्या होगा? डी पी वाई अपॉन में डी टी, है ना। और यहाँ पर क्या होगा? जेड के बाहर आएगा, डी पी जेड अपॉन में, ये क्या होगा? फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, ये क्या होगा? फोर्स अलोंग, और ये क्या होगा? तो एफ वेक्टर की वैल्यू क्या होगी? फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, फोर्स अलोंग वाई एक्सिस, और फोर्स अलोंग जेड एक्सिस, इसके बराबर है। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ भी ये सब नहीं आता, कुछ भी जहां से आएगा मैं बता दूंगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन क्या है भैया सेकंड लॉ की? सेकंड लॉ कहता है फोर्स क्या होता है? मास इंटू में एक्सेलरेशन। मास इंटू में, यदि मैं फोर्स को ही 0 कर दूं, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब है बॉडी का एक्सेलरेशन 0 है। क्या है? बॉडी का एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब है कि भैया डीवी अपॉन में डीटी क्या आ रहा है? ये भी 0 आ रहा है। अगर किसी चीज का डिफरेंशिएशन 0 आता है, इसका मतलब वो चीज क्या है? कॉन्स्टेंट है। इसका मतलब ये ध्यान रखना कि अगर फोर्स 0 है तो बॉडी का एक्सेलरेशन 0, और एक्सेलरेशन 0 का मतलब वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी एक कॉन्स्टेंट वेक्टर है। ठीक है, आगे बढ़ते भैया। कौन है भैया?
हाँ बेटा आराम कर ले, आराम कर ले, आराम भी तो जरूरी है। कल तूने मैथ्स का पेपर दिया था, आराम तो जरूरी है। हाँ आराम कर ले बेटा, वो कल तूने मैथ्स का पेपर दिया था, तेरे को चक्कर उक्कर आ रहे होंगे, आराम कर ले बेटा। बेटा ये ऐसे क्लास अब 8:30 बजे तो लेट नहीं होता, वैसे जल्दी नहीं होता, मेरी तो रोज 7:30 बजे से ही क्लास होती है। आना तो आ जा, अभी चल रहे हैं, अभी तूने पढ़ ही रखा होगा थोड़ा बहुत, तो आ जा आ जा, न्यूमेरिकल कराऊंगा अभी। हम न्यूमेरिकल में पहुंचने वाला हूँ, डेरिवेशन करा दी फिफ्थ की, फोर्थ की नहीं, माउंट की नहीं, और भी बच्चे हैं लेकिन माउंट के भी हैं। आ जा बेटा, आना नाटक मत कर, जल्दी से आ जा जल्दी। हो गया भाई, समझ गए? अब देखिए क्वेश्चन इसमें से मैं बता दे रहा हूँ आपको, क्वेश्चन बेसिकली आने कौन कौन से, ठीक है? अच्छा यहाँ पर आपको सारी बातें पता होनी चाहिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है। फोर्स कैसे रही है? हमेशा फोर्स इज नॉट ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, फोर्स हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन की डायरेक्शन में हमेशा नहीं होता। इट मे बी अलॉन्ग द वेलोसिटी और अपोजिट टू द वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन में फोर्स होगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। और अगर अपोजिट होगा, नेगेटिव होगा, और राइट एंगल होगा तो कुछ और मामला होगा। इन एवरी मोशन फोर्स क्या है भैया? एक्सेलरेशन का क्या होता है भैया? पैरेलल होता है, ठीक है? नो फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर, देखिए भी अगर आपको कोई बॉडी कॉन्स्टेंट स्पीड से चल रही है तो इसका मतलब उसको कोई फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है भैया? और फोर्स क्या होता है ये ध्यान रखना आपको, ठीक है? और अगर चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ भी नहीं बनता। आते हैं भैया इस वाले एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है? क्या कह रहा है बुलेट, जिसका ध्यान नहीं है एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे, ध्यान होना खासतौर पर। बुलेट का मास क्या है? 0.04 kg, 0.04 kg ये मास है किसका? बुलेट का। मूविंग विद द स्पीड, इनिशियल स्पीड कितनी है देखिए भैया? 90 मीटर पर सेकेंड। एंटर सा हैवी वुडन ब्लॉक एंड स्टॉप, स्टॉप मतलब फाइनल स्पीड क्या होगी? जीरो। कितने डिस्टेंस पर रुकी है? 0.6 मीटर पर, 60 सेंटीमीटर में 0.6। आपको क्या निकालना? फोर्स निकालना। क्या निकालना है? तो भैया आपको अभी बताया फोर्स क्या होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन। मास, एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम मास। चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी का चेंज हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में टाइम। मास कितना है भैया बुलेट का? 0.04। फाइनल वेलोसिटी क्या है भैया? 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 90। टाइम कितना लगा भैया? टाइम नहीं दिया हुआ, डिस्टेंस रखा, मतलब ये वाला फॉर्मूला भी लगेगा आपका, ये वाला लगेगा भैया, एक्सेलरेशन होता ना। कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताइए कोई मेरे को? थर्ड इक्वेशन लगेगी एक्सेलरेशन निकालने के लिए। मास तो आपको दे रखा है, एक्सेलेरेशन निकालने के लिए आप थर्ड इक्वेशन का इस्तेमाल करोगे। ये कैसे निकलेगा भैया? फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर और टू एक्सेलेरेशन एस। फाइनल दे रखा है, इनिशियल दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है, एक्सेलेरेशन आ गया, उस एक्सेलेरेशन को यहां पर रख दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आ जाएगा। आसान क्वेश्चन है, और ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पेपर में नहीं होते, कई बच्चों से ऐसे क्वेश्चन भी नहीं होते, क्वेश्चन पढ़ के उनके पल्ले ही नहीं पड़ता क्या हो रहा है। इसलिए भैया प्रैक्टिस कर लेना, जो आज कराया उसे तो आज और शाम को कराया, अभी जाकर जो अभी करा रहा हूँ उसे पक्का प्रैक्टिस कर लेना। देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है भैया? अब फोर्स कितना है भैया? 72 N का। कितने से इंक्लाइन है? 60 डिग्री से इंक्लाइन है। बॉडी का मास कितना है? और एक्सेलेशन किसके अलावा पूछ रहा है? एक्स के अलावा। एक्स के अलावा का जो एक्सेलेशन होगा ये ध्यान रखना, वो फोर्स अलावा एक्स एक्सिस अपॉन में मास के रेशियो के बराबर होगा। यही होता है। अब डायग्राम बनाओ पहले इसका। फोर्स किसके कितना है भैया? 72 N क्या है? एंगल कितना बना रहा है? 30 डिग्री का, 60 डिग्री का, 60। तो एक्स के अलावा फोर्स कितना होगा? 72 cos 60 बोलो। हाँ, और वाई के अलावा कितना फोर्स होगा? ये एक्स के अलावा फोर्स है, वाई के अलावा क्या होगा? 72 sin 60 है ना। अगर आपको वाई के अलावा एक्सीलरेशन पूछता तो वाई के अलावा एक्सीलरेशन क्या होता? गंदी शक्ल बैठा है देखो, y के अलोंग एक्सेलरेशन क्या होता? y के अलोंग का फोर्स अपॉन में मास।
वाई के लॉन्ग का फोर्स क्या भी है, 72 साइन 60, साइन 60 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3/2, 72 से मल्टीप्लाई कर दोगे और मास क्या है 9 ग्राम में डिवाइड कर दो। अच्छा एक चीज देखिए, यहां पर डायन है तो यहां पर ग्राम है, लेकिन अगर यहां पर न्यूटन होता तो यहां पर ग्राम नहीं चलता, फिर यहां पर क्या चलता, किलोग्राम। समझ गए भैया? तो यहां से आप निकाल सकते हो, अगर आपको एक्स का लॉन्ग फोर्स पूछ रखा है तो एक्स का लॉन्ग फोर्स कितना है, 72, 72 cos 60, cos 60 बोलो तो 1/2 अपॉन में मास क्या 0.9। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, आ जाएगा। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे वो ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ब्लॉक ऑफ मास कितना है, 2 kg, ब्लॉक का मास कितना है 2 kg, ठीक है, इज रेस्टिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस प्लेन, स्ट्रक बाय अ जेट, उसे स्पेस एक जेट की धार मारी जा रही है, ठीक है, और मास कितना, जो जेट का मास पर सेकंड टकरा रहा है इससे, यानी डीएम अपॉन में डीटी, क्या लिखा हुआ है, वो है आपका 1 kg/s। ये क्वेश्चन पता कैसे, जैसे आपने कभी तराई वराई की होगी ना, तो तराई करते कोई गिलास पिलास आपको या कोई टुकड़ा दिख जाता है तो उस पर पानी की धार मारते हो आप खींच के, तो टुकड़े के अंदर क्या आती है, मूवमेंट आ जाती है, एक्सेलरेट कर जाता है। तो वही वाला क्वेश्चन है कि इसके अंदर जो एक्सेलरेशन आया है यानी जो फोर्स लगा है वो किसकी वजह से लगा है, जो उसके ऊपर पानी की धार पर सेकंड में पड़ रही है, ठीक है। अच्छा इसकी वेलोसिटी क्या है, कितनी है वेलोसिटी इसकी, 5 m/s, कितनी है 5 m/s, कह रहा भैया बताइए फोर्स कितना होगा। तो भैया फोर्स के दो फॉर्मूले होते हैं अपने पास, एक फॉर्मूला होता है फोर्स का मास इनटू मास, मेन फॉर्मूला तो यही है। अब भैया देखिए मास, अगर मान लीजिए मास चेंज हो रहा है, वैसे अगर वेलोसिटी चेंज हो रही होगी तो फोर्स का फॉर्मूला होगा डीवी अपॉन में इसको ऐसे लिख दो, और अगर मान लीजिए आपकी वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही, मास चेंज हो रहा, तो आप लिखोगे फोर्स इक्वल्स टू में डीएम अपॉन में डीटी इनटू में वेलोसिटी, ये फोर्स का फॉर्मूला है। दूसरा बताया ना मैंने दोनों को, तो भैया ये क्या डीएम अपॉन में डीटी की वैल्यू कितनी रखी बेटा, 1 kg/s, 1 kg, अब वेलोसिटी कितनी है इसकी 5 m/s, फोर्स आएगा आपका 5 न्यूटन का, क्या आएगा, अब आपको एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन क्या होता है फोर्स अपॉन में मास, फोर्स कितना भैया 5 न्यूटन, और भैया मास क्या ब्लॉक का जिसके ऊपर स्टक हो रहा है 2, तो यानी क्या आएगा 2.5 m/s². अच्छा ये नीचे वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, आपको एक्स दे रखा है, बॉडी का मास दे रखा है, आपको फोर्स निकालना है, फोर्स क्या होता है मास इंटू में एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन देखिए भैया यहां पर आपको एक्सेलरेशन नहीं दे रखा है, एक्स दे रखा है, तो एक्स दे रखा है तो एक्स से वी निकालने के लिए क्या करें भैया बताओ, पोजीशन से वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करें, डिफरेंशिएट कर दो, तो भैया एक्स को डिफरेंशिएट किया डीएक्स अपॉन में डीटी, तो ये हो जाएगा आपका, इसको डिफरेंशिएट करो, ए बाहर आएगा, आ गया बाहर, टी की पावर 4 का क्या होता है 4t³, याद है ना पावर आगे एक पावर कम, माइनस बी टी क्यू का क्या होगा, माइनस बी बाहर आएगा, टी क्यू का 3t², और सी टी में सी बाहर आएगा और टी का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये हो गया आपकी वेलोसिटी, कितनी आ गई 4at³ - 3bt² और क्या होगा यहाँ पर सी, केवल सी होगा, दिख रहा सबको विजिबल है ये, नहीं विजिबल है समझ लो बस कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सीलेशन क्या होगा, अच्छा स्क्रीन को छोड़ा करता हूँ, साइड साइड में लिखूंगा, ठीक है। अब एक्सीलेशन निकालने के लिए इस वेलोसिटी को दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, क्योंकि आपको फोर्स पूछ रखा है ना, बॉडी का मास दे रखा है, कितना मास है भैया बॉडी का m, और एक्स दे रखा है, एक्स को एक बार डिफरेंशिएट किया तो क्या आ गया वेलोसिटी, दोबारा इस वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, करोगे एक्सीलेशन आएगा, उसको मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ गया, ठीक है। अब मैं थोड़ा स्क्रीन को छोटा कर दे रहा हूँ, तब आपको साइड में लिख दूंगा, बड़ा हो रहा है छोटा हो रहा है, चलो इतने में हो जाएगा, ठीक है भैया। अब इसमें से एक क्वेश्चन ये दिल्ली तो 1996 में आया था, मतलब मैं जब 1 साल का था, ठीक है। अब बुलेट ऑफ मास कितना दिया, 100 ग्राम, ठीक है, मूविंग विद द स्पीड कितना है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20 m/s, है ना, और वो एक प्लैंक को यानी टुकड़े को पेनिट्रेट करती है कितने तक, 20 cm तक, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 0.2 मीटर, 20 cm को 100 से डिवाइड कर दो तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके बाद वो रुक जाती है, और क्या होती है भैया, रुक जाती है, ठीक है, मतलब अप टू 20 cm के बाद, मतलब उसके बाद चलती नहीं है, इसका मतलब रुक गई ना, तो फाइनल वेलोसिटी क्या आती है भैया,
जीरो होती है, आपको फोर्स निकालना है। क्या निकालना है? फोर्स क्या होता है? मास इनटू में मास, तो अपने को पता ही है 0.1 kg। अच्छा ये कैसे आया? ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दीजिए। अच्छा मास है आपका 0.1, लेकिन हमें जो डाटा दे रखा है उससे अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना, तो उसके लिए आपको फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर बराबर में 2 एक्सेलरेशन एस इनटू वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यहां से आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा, वो एक्सेलरेशन आपको यहां पर रख देना है, तो आप यहां से आप फोर्स की वैल्यू को निकाल सकते हैं। निकाल लोगे भैया? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला करते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल हार्ड नहीं आते, फिजिक्स सबसे आसान सब्जेक्ट है, 100 बार बोल दिया मैंने। देखिए भैया क्या कह रहे हैं, एनसीईआरटी के जितने भी इसमें एग्जाम्पल होंगे सब एनसीईआरटी के एग्जाम्पल होंगे, ठीक है। कह रहे हैं बैट्समैन हिट्स बैट अ बॉल, देखिए इंपल्स बता रहा हूं, इंपल्स क्या होता है भैया आपको बताया था, इंपल्स एक्चुअली में सेकंड लॉ ही है। सेकंड लॉ क्या कहता है? फोर्स इक्वल्स टू में डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी होता है। बस ये कंडीशन क्या होती है? बहुत स्मॉल आते हैं, क्या होता है? तो ये चीज क्या बन जाती है? इंपल्स बन जाती है। क्या बन जाती है? तो एफ इक्वल्स टू में आई अपॉन में डेल्टा टी, डेल्टा टी टेंस टू जीरो, बहुत छोटा है, तो आई की वैल्यू क्या होगी? एफ इंटू में डेल्टा टी, फोर्स इंटू में टाइम इंपल्स हो जाता है। अच्छा आपको बता दूं, आप इंपल्स को डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा पी भी लिख सकते हो। डेल्टा पी क्या होता है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ये डेल्टा टी क्या होता है? टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, इसे टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट भी कहते हैं। इसके बहुत सारे कंसेप्ट मैंने बताए थे, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम कह दिया जाए तो आप कंफ्यूज मत होना, कुछ नहीं करना आपको, आपको करना भी अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या कहता है बेटा? एफ इक्वल्स टू में डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा डी। अब इंपल्स मोमेंटम थ्योरम कर रहे हैं, डेल्टा पी है आपका, तो डेल्टा पी क्या होगा बेटा? एफ इंटू में डेल्टा डी, एफ इंटू में डेल्टा डी क्या होता है? इंपल्स। तो इंपल्स क्या हुआ? डेल्टा पी के बराबर। डेल्टा पी क्या होता है? फाइनल माइनस, यही क्या? इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द चेंज इन मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल्स टू इंपल्स बट इन वेरी स्मॉल टाइम, टाइम बहुत छोटा होना चाहिए आपका, ठीक है भैया। अच्छा हमने एक फॉर्मूला देखा भैया, इंपल्स का फोर्स इंटू में टाइम होता है। इसके ऊपर अगर मान लीजिए हम इंपल्स को कांस्टेंट कर दे, तो आपका फोर्स इंटू में डेल्टा टी क्या होगा? ये भी कांस्टेंट आ जाएगा, आ जाएगा। अच्छा ये कांस्टेंट होगा तो आपका फोर्स क्या होगा? कांस्टेंट अपॉन में डेल्टा टी आएगा, यानी फोर्स जो होता है टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट के क्या होता है? इनवर्सली होता है, प्रोवाइडेड दैट इंपल्स इज कॉन्स्टेंट। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है, कह रहा है ये इस पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। एक क्रिकेट प्लेयर जो होता है बॉल पकड़ने के बाद हाथ को पीछे क्यों करता है? ऐसा क्यों इसलिए करता है? ताकि बॉल का एकाएक रुके ना, अगर एकाएक रुकेगी तो टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट बहुत कम होगा। इसलिए जो बैट्समैन होता है या फील्डर होता है, वो बॉल को अपने हाथ के साथ पीछे की तरफ लाता है, जिसकी वजह से बॉल रुकती नहीं और टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट हाथ के साथ क्या होता है? काफी ज्यादा रहता है, और ज्यादा रहने पर टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट ज्यादा रहेगा तो फोर्स क्या लगेगा? कम। और जब फोर्स कम लगता है तो इंजरी वगैरह क्या होती है? कम होती है। एक आदमी सीमेंटेड रोड पे गिरता है तो उसको बड़ी चोट लगती है, रीजन क्या है भैया? सीमेंटेड रोड पे गिरता है तो सीमेंटेड रोड तुरंत क्या होती है? रेस्ट में आती है, पिचकती नहीं है, यानी टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है? बहुत कम होता है। और टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट बहुत कम होगा तो बॉडी पे लगने वाले फोर्स की वैल्यू क्या भी बहुत ज्यादा होगी, इससे इंजरी की समस्या क्या होती है? बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है भैया। ऑटोमोबाइल वगैरह में सोकर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, क्यों है भैया? ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा आता है, ऐसा क्यों करते हैं भैया? तो सोकर प्रोवाइड करने का एक ही रीजन होता है कि आपकी गाड़ी वाड़ी जो होती है ऊपर नीचे जंप करती है रोड पे चलने पे, क्योंकि रोड तो प्लेन होती नहीं है। अब जंप करेगी तो क्या होगा उससे भैया? समस्या आएगी कि भैया अगर जंप कर रही है तो गाड़ी जब ऊपर से नीचे आएगी तो एकाएक आपकी बॉडी क्या होगी? गाड़ी के रिस्पेक्ट में रेस्ट में आ जाएगी, और टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट बहुत कम होगा, और आपकी बॉडी पे फोर्स साइकिल वगैरह बहुत ज्यादा। याद है ना आप जो साइकिल के डंडे बैठे हो, कभी गद्दी पे बैठो और डंडे बैठो, दोनों पे आपको अलग अलग एहसास होगा, ठीक है। डंडे बैठना कभी, अगर डंडे पर लड़के बैठे होंगे बेचारे, ये समस्या कभी साइकिल बैठे गांव गांव में, तो भैया साइकिल के आगे वाले डंडे पे थोड़े समझदार पिता जो होते थे वो कपड़ा बांध के बिठाते थे, क्योंकि तो कपड़ा थोड़ा स्पंजी होता है, वो दबता है, टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट बढ़ा देता है आपके, समझ गए, बॉटम में कम चोट लगती है। लेकिन अगर भैया अगर मान लीजिए सीधे डंडे में बिठा दिया जाए तो क्या होगा? क्या होगा? जैसी उछलेगी साइकिल, आप भी उछलेंगे साइकिल के साथ, तो तुरंत क्या होगी? आपकी बॉडी उस डंडे के साथ रेस्ट में आएगी, टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट बहुत छोटा, और बड़ी समस्या है। बच्चे लड़के जब साइकिल सीखते हैं तो समस्या बहुत ज्यादा गंभीर हो जाती है, क्रैंची सीखते हैं जब, ये डंडे के ऊपर खड़ा होकर के चलाते हैं, कभी चैन उतर जाए तो और मजा आ जाए, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, अब ये वाले क्वेश्चन पे आते हैं, तो भैया कंसेप्ट यही है बिल्कुल सीधा सीधा। क्या कह रहे भैया?
अब बैट्समैन हिट्स बैक अ बॉल स्ट्रेट, मतलब उस जिस डायरेक्शन में आ रही है उसी डायरेक्शन में, जैसे कल रविचंद्रन अश्विन ने बैटिंग की, ठीक है, जानती नहीं कि तू जानती है ना, कल बांग्लादेश वालों की बकड़ी उधेड़ दी, ठीक है, कह रहे इतनी स्पीड से आ रही है ये बॉल, बैट है ये बॉल आ रही है, बॉल कितने से आ रही है, इनिशियल स्पीड क्या है 12 मीटर पर सेकेंड, और उल्टा कर दिया तो फाइनल वेलोसिटी होगी -12 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन चेंज होने पर वेलोसिटी के नेगेटिव पॉजिटिव आती है, ठीक है भैया, कह रहा है क्या, और बॉल का मास कितना है 0.15 kg, आपको क्या निकालना है, इंपल्स इम्पार्ट, इंपल्स इम्पार्ट का मतलब कितना इंपल्स लग रहा है, तो इंपल्स का फॉर्मूला बच्चा क्या होता है, इंपल्स होता है भैया, यहां पर जो डाटा दे रखा है उसके हिसाब से इंपल्स का फॉर्मूला आपको यही लगाना है, और ये किसके बराबर होगा, एम इंटू में डेल्टा वी के, क्योंकि तो आपको पता मास तो कांस्टेंट होता है, डेल्टा वी क्या होता है फाइनल माइनस, बेटा आपको फाइनल दे रखा है बोलो हाँ, -12, इनिशियल आपको दे रखा है बोलो हाँ, +12, बीच का माइनस लगाना ही लगाना है, और भैया मास कितना है 0.15 किलोग्राम, ठीक है भैया कर लोगे आंसर, आगे बढ़ते हैं भैया अगला घर, देखिए भैया इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन नहीं आने वाला, ठीक है, ये वाला करा दूं, ये भी कोई ऐसा नहीं है क्वेश्चन, ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन देखिए, इम्पल्स आपको इम्पल्स फोर्स टाइम ग्राफ बताया था मैंने, फोर्स टाइम ग्राफ जो होता है वो हमेशा इम्पल्स के बराबर होता है, याद है नहीं याद है, तो फोर्स टाइम ग्राफ जो होता है वो आपका इम्पल्स के बराबर होता है, देख लीजिए एक बारी, ठीक है, फोर्स टाइम ग्राफ, मैंने एक एक, एक टॉपिक को इतनी बार करा दिया कि आप ऐसा लगता है कि भैया बार बार क्यों करा रहे हैं, ठीक है, लेकिन भैया ये बार बार आप भूलते भी हो, बार बार मैं कितनी बार करा दूं आप भूल भी जाते हो बार बार, ठीक है, इसलिए इसको जाकर रिटर्न में प्रैक्टिस कर लेना, ये आखिरी बार आपको इस चैप्टर का रिवाइज करा रहा हूँ, इसके बाद कराऊंगा तो चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 कराऊंगा रिवाइज, ये सब नहीं कराने वाला मैं, क्वेश्चन कराऊंगा बस, ठीक है, तो ये देखिए दो ग्राफ होते हैं इसके, एक तो फोर्स कॉन्स्टेंट होता है तो इस तरीके का ग्राफ खींचता है, एक फोर्स वेरिएबल होता है लेकिन फोर्स के अंदर चेंज कॉन्स्टेंट होता है, तो ग्राफ आपका इस तरीके का होता है, ठीक है, और एक आपका फोर्स वेरिएबल होता तो उस केस में आपको ग्राफ बनाने की आवश्यकता ही नहीं है, उस केस में आप इंस्टेंट की बात करोगे, किसकी बात करोगे, और इंस्टेंट पर कोई भी चीज होती है तो छोटी होती है, उसे डीआई, वर्क होगा तो डीडब्ल्यू, इंपल्स होगा तो डीआई, डीआई क्या होगा, फोर्स इंटू में डेल्टा डीटी, ठीक है, ये किसी इंस्टेंट पर आ गया आपका, ठीक है, टोटल इंपल्स निकालने के लिए क्या करो, इंटीग्रेट करो, तो ये क्या हुआ आई, ये क्या हुआ एफ, ये डी टी, और यहाँ पे टाइम की लिमिट आएगी T1 से लेके T2 तक, समझ गया भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो ये आपके इंपल्स का फॉर्मूला है, अगर ग्राफ दे रखा होगा तो सीधा ग्राफ का एरिया निकालोगे वहां से इंपल्स आएगा, और अगर आपको फोर्स वेरिएबल फॉर्म में दे रखा है तो टाइम की लिमिट दे रखी होगी T1 और T2, और वहां से आपका इंपल्स आएगा, देखिए एक क्वेश्चन ये देखिए, कह रहा है आपकी एक बॉडी है जो यहां से स्टार्ट करती है यहां तक आती है, कौन सा ग्राफ है भैया, एफ टी ग्राफ है, क्या है ये, इंपल्स निकालना है, ये कौन सा एरिया, ये क्या है ट्राइंगल दिख रहा है, ट्राइंगल का एरिया निकाल लोगे, ये क्या दिख रहा है रेक्टेंगल दिख रहा है, रेक्टेंगल का एरिया निकालोगे, ये क्या दिख रहा है ट्रेपीजियम दिख रहा होगा आपको, क्या दिख रहा होगा ट्रेपीजियम का एरिया, ये क्या दिख रहा है आपको रेक्टेंगल, इसका भी एरिया निकालोगे, सारे एरिया को निकाल दोगे, क्या आएगा इंपल्स, क्या आएगा एफ टी ग्राफ का जो एरिया होता है वो इंपल्स देता है, ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन ऐसे आएगा, आगे बढ़ते हैं भैया, तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन, यहाँ पर एक क्वेश्चन और होगा, जैसे सेंट्रल स्कूल में आ रखा है वाला क्वेश्चन, तो सेंट्रल स्कूल वगैरह जो क्वेश्चन होते हैं काफी अच्छे होते हैं, कह रहा भैया क्रिकेट बॉल ऑफ मास कितना है भैया, मास है क्रिकेट बॉल का 0.15 किलोग्राम, ठीक है, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है भैया 12 मीटर, 12 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, ठीक है, एंड इट्स हिट्स बाय बैट, बैट से हिट किया आता है, और वो कितने से जाती है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकंड, लेकिन इसको माइनस लोगे, क्या लोगे, क्योंकि तो बॉल अगर बैट की तरफ आ रही है उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो बॉल अगर बैट से दूर जा रही है उसकी वेलोसिटी होगी नेगेटिव होगी, अच्छा कह रहा भैया टाइम कितना लगा यहां से यहां तक का, टाइम कितना लगा 0.01 सेकेंड, अब पूछ क्या कह रहा है, सुन लीजिए भैया पूछ रहा है आपका, क्या पूछ रहा है, सबसे पहले आपको बोल रहा है भैया द बॉल फोर्स, अच्छा इतना टाइम तक है, फाइंड द एवरेज फोर्स ऑन द बॉल बैट, ठीक भैया कितना फोर्स लग रहा है, तो भैया पहले सबसे पहले इंपल्स निकालिए, क्या निकालिए, इंपल्स क्या होगा डेल्टा पी के बराबर, डेल्टा पी क्या होगा एम इंटू में डेल्टा वी के बराबर, एम डेल्टा वी क्या होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, मास क्या है भैया बॉल का 0.15, फाइनल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी क्या है माइनस 20, माइनस ये फॉर्मूले का इनिशियल वेलोसिटी क्या है 12, तो
तो यहां से आपका इम्पल्स आ जाएगा, क्या आएगा, आ गया इम्पल्स। अब आपको फोर्स निकालना है, क्या निकालना है, तो भैया आपको बता दूं, वी नो इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इंटू में टाइम, यही होता है। तो फोर्स क्या होगा, इम्पल्स अपॉन में टाइम। इम्पल्स आपका आ रखा है, टाइम कितना रखा भी है, कितना रखा भी 0.01 सेकेंड, कर लोगे, आ गया आंसर, चलो आगे बढ़ते। अच्छा यहां पर एक क्वेश्चन और होगा, दिख नहीं रहा मुझे वो, ये रहा दिल्ली, एक बॉडी है जिसका मास क्या 0.25 kg है, वेलोसिटी कितनी है उसकी 12 मीटर पर सेकेंड, स्टॉप बाय अप्लाइंग फोर्स 0.1 न्यूटन, कैलकुलेट द टाइम टेकन टू स्टॉप द बॉल, ऑल्सो कैलकुलेट द इम्पल्स ऑफ दिस फोर्स। तो भैया क्या कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा, एक बॉडी का मास कितना है 0.25 kg है ना, अच्छा वेलोसिटी कितनी है उसकी, इनिशियल वेलोसिटी 12 मीटर, रोक दिया गया, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0, और फोर्स कितना लगाया गया उसके ऊपर 0.6 न्यूटन, ठीक है। पूछ क्या कह रहा है, कैलकुलेट टाइम, आपको टाइम निकालना है, यानी टाइम ऑफ कांटेक्ट कितना होगा भाई, कितनी तेज चल रहा है ये, ठीक है, आपको टाइम ऑफ कांटेक्ट निकालना है, साथ में आपको निकालना भी है कैलकुलेट द इंपल्स फोर्स, कैलकुलेट द इंपल्स, इंपल्स भी निकालना, क्या निकालना है, इंपल्स। चलो भैया कैसे करेंगे, कोई मुझे बताएगा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, आप बता दो, कुछ नहीं है भैया, कोई कोई दिक्कत नहीं। इंपल्स क्या होता है भैया, चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है, और ये क्या होगा, एम इंटू में डेल्टा वी के बराबर एम, डेल्टा वी क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो भाई जान सारे कुछ दे रखे, मास दे रखे, बोलो हाँ, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी रखिए, बोलो हाँ, वहां रखो क्या, क्या आ गया, इंपल्स आ गया, बोलो हाँ। जब इंपल्स आ गया तो भैया आपको पता है इंपल्स क्या होता है, फोर्स इंटू में डेल्टा टी, ये भी आ गया, बोलो हाँ। अब भैया फोर्स तो आपको दे रखा है 0., इंपल्स आ गया यहां से, इंपल्स रख दो, फोर्स कितना है भैया 0.6 न्यूटन, आपको निकालना क्या है, डेल्टा टी, डेल्टा टी निकल आएगा, बोलो हाँ, आ गया, खत्म, समझ गया। न्यूटन थर्ड लॉ, थर्ड लॉ कहता है भैया एक्शन इक्वल्स टू में रिएक्शन, अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी से टकरा रही है तो वो, अगर ए वाली बॉडी बी वाली पे लगा रही होगी तो दूसरी वाली बॉडी उस पर भी इतना फोर्स लगा रही होगी। अच्छा दोनों पे जो फोर्स लगता है वो एक दूसरे के मोमेंटम चेंज के बराबर आता है, ए पे लगने वाला फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए के बराबर आएगा, बी पे लगने वाला फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बी के बराबर आएगा, अगर दोनों फोर्सेस को मैं जोड़ता हूँ तो दोनों फोर्सेस का सम क्या आएगा 0, रीजन क्या है, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे लगा रहे हैं, ये क्या इंटरनल फोर्स है, और इंटरनल फोर्स का सम क्या आता है 0 आता है, ठीक है। तो यहां से एक्शन इक्वल्स टू में रिएक्शन प्रूफ हो जाता है। एक बात ध्यान रखना कि एक्शन रिएक्शन फोर्स दोनों इंटरनल फोर्स माने आते हैं, समझ गया, चलो आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। अब देखिए यहां पर देखिए, बोले मत, ये बुक रखी गई है, बुक का वेट क्या है, एक्शन है, ऊपर जो गया है इसे आर कहते हैं, इसको रिएक्शन कहते हैं, इसके दो तीन नाम है, रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन और कॉन्टेक्ट फोर्स, ठीक है भैया। एक आदमी जब चलता है व्यक्ति, तो अपने चरणों से, है कैसे चरणों में, अपने चरणों से वो धरती को क्या करता है, ऐसे कंप्रेस करता है, ये क्या हो गया एक्शन, धरती तुरंत उल्टा क्या लगाती है, रिएक्शन। आदमी का वेट क्या है, mg, तो इस वेट का रिएक्शन को क्या लिखते हैं, एन, या कॉन्टेक्ट फोर्स कहते हैं इसको। अब हम देख रहे हैं भैया रिएक्शन ने जमीन के साथ कितना एंगल रखा है, थीटा, तो इसको रिजॉल्व करो तो क्या हुआ, रिएक्शन कॉस थीटा, इधर क्या आएगा, रिएक्शन साइन थीटा। आपको बता दूं एट इक्विलिब्रियम इन दोनों का सम किसके बराबर होता है, और ये वाला कंपोनेंट अगर फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा है तो एक्सीलरेशन, ये पैर क्या होगा, आगे की तरफ बढ़ेगा। अच्छा मान लीजिए पैर का एक्सीलरेशन क्या है, ए है, तो इस एक्सीलेशन कैसे निकाले, तो एक्सीलेशन होता है नेट फोर्स अपॉन में मास, इस पैर का मास कितना है एम, तो इसके अंदर एक्सीलेशन कितना आएगा, नेट फोर्स अपॉन मास, नेट फोर्स कितना है, एक फोर्स आगे लग रहा है, दूसरा फोर्स पीछे लग रहा है, बाकी और किसी फोर्स का कोई काम नहीं है यहां पर, तो कितना लगेगा नेट फोर्स, रिएक्शन कॉस थीटा माइनस फ्रिक्शन अपॉन में पैर का, यही हो गया भैया पैर का एक्सीलेशन। हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम बिल्कुल सेम है, ठीक है, बढ़ते भैया, थर्ड
थर्ड लेवल बहुत सारे एग्जाम्पल है। और ये भी है भैया, व्हाइल स्विमिंग अ पर्सन पुशेस वाटर अपने हाथ से पीछे करता है, और आदमी कहाँ जाता है, आगे जाता है, धकेल रहा है वो पीछे, लेकिन आगे कैसे जा रहा है। तो भैया एक्शन रिएक्शन वाला कंसेप्ट लगा है यहाँ पर भी। हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम, हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम भी बड़ा बेसिक प्रॉब्लम है, ठीक है। घोड़ा जो होता है, कैसा घोड़ा है, अबे ये यहाँ पे समझ में नहीं आया, तो ये बता, समझ गया भैया। हॉर्स बना हुआ है, कार्ट बना हुआ है, कार्ट अपने पैर से जमीन को धकेलता है, वो एक्शन हो गया, वो जमीन उसके लगाती है, रिएक्शन, बाकी सारे फोर्सेस एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं, बस रिएक्शन कॉस थीटा क्या होता है, अगर फ्रिक्शन से ज्यादा होता है तो कार्ट क्या होता है, आगे की तरफ मूव करता है। एक्सीलरेशन क्या होगा, नेट फोर्स अपॉन में मास ऑफ घोड़ा प्लस कार्ट, तो नेट फोर्स क्या होता है, रिएक्शन कॉस थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स अपॉन में कार्ट का मास प्लस घोड़े का मास। ठीक है भैया, आते भैया न्यूटन सेकंड लॉ इज रियल लॉ, पहले बता दे रहा हूँ 100% आएगा ये, ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल में आते ही आता है, गवर्नमेंट स्कूल में छप के आएगा ये कि न्यूटन सेकंड लॉ इज रियल। अमाउंट पे भी देते हैं, अंजुम सर पुराने टीचर है तो सकता हो अगर पेपर बनाएंगे तो देंगे इस चीज को, ठीक है। सेकेंड लॉ इज अ रियल लॉ, ठीक है। आप देखिए, देंगे, देखिए बहुत आसान है, कुछ नहीं करना आपको बेटा, इधर देखो बक्कल तार दूंगा, इधर देखो। सेकेंड लॉ इज अ रियल लॉ इसलिए होता है क्योंकि इट कंसिस्ट विद फर्स्ट एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये फर्स्ट और थर्ड लॉ दोनों से मिलकर बना होता है, इसलिए इसको रियल लॉ कहते हैं। अब फर्स्ट लॉ का प्रूफ करते हैं, प्रूफ ऑफ फर्स्ट लॉ इन सेकेंड लॉ, प्रूफ ऑफ फर्स्ट लॉ इन सेकेंड। फर्स्ट लॉ का प्रूफ ऑफ सेकेंड लॉ में कर रहे हो, तो भैया आपको पता भी है सेकेंड, पहले हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ क्या कहता है भैया, फोर्स क्या होता है, मास इनटू में, ये तो फर्स्ट, सॉरी फर्स्ट लॉ कह रहा हूं, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ से क्या होता है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू में। बस यहां पर एक छोटी सी कंडीशन लेते हैं, मैंने कह दिया भैया अगर फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए, फोर्स जीरो होने का मतलब मास और एक्सीलरेशन दोनों क्या होंगे, प्रोडक्ट क्या आएगा, ठीक, ये जीरो हो गया। अच्छा अगर इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो आ रहा तो पॉसिबिलिटी यह है कि मास भी जीरो हो सकता है, और लेकिन हमारी नॉलेज में मास कभी जीरो, इसका मतलब एक्सेलेशन जीरो हो सकता है, एक्सेलेशन जीरो मतलब वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, ये तो फर्स्ट लॉ कहता है। सेकंड लॉ क्या कहता है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलेशन, बस मैंने कहा भी अगर फोर्स जीरो कर दूं तो वेलोसिटी क्या होगी, कभी चेंज, फोर्स जीरो है वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती, ये कौन कहता है, फर्स्ट लॉ, फोर्स जीरो है वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होगी, हेंस सेकंड लॉ कंसिस्ट विद फर्स्ट लॉ। अब आते हैं प्रूफ ऑफ थर्ड लॉ, प्रूफ ऑफ, प्रूफ ऑफ थर्ड लॉ, थर्ड लॉ को प्रूफ कराने के लिए हमें एक्सीडेंट कराना पड़ेगा। ये ए वाली बॉडी के ऊपर बी वाली इधर फोर्स लगाएगी, बी वाली बॉडी के ऊपर ए वाली बॉडी इधर फोर्स लगाएगी, ये फोर्स कितना लग रहा है एफ ए, ये फोर्स कितना लग रहा है एफ जी, ठीक है। ये आपकी ए बॉडी है, ये आपकी बी बॉडी है, ये दोनों आपस में टकराएंगी, टकराएंगी तो एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगी। अच्छा एफ ए किसके बराबर रहेगा, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा, तू बता एफ ए किसके बराबर रहेगा, अभी इतना रैपटे मारूंगा तेरा मास बदल दूंगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए, याद नहीं याद है, फोर्स एट ए किसके बराबर होगा और फोर्स एट बी किसके बराबर होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बी, दोनों को, ये दोनों एक दूसरे में फोर्स लगा रही इतना, अच्छा दोनों को ऐड करोगे तो एफ ए प्लस एफ बी, और ये क्या होगा, वन बाय में डेल्टा डी, साइड को ऐड करोगे डेल्टा डी क्या होगा, कॉमन आएगा, डेल्टा पी ए प्लस डेल्टा पी बी। अगर मैं आपको याद होगा तो मैंने कहा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहता है कि अगर दोनों सिस्टम एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, दोनों बॉडी एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, बाहर से कोई और फोर्स नहीं लग रहा, तो भैया वहां पर मोमेंटम का जो चेंज होगा, पहली बॉडी के अंदर मोमेंटम का चेंज और दूसरी बॉडी के अंदर मोमेंटम का चेंज, वो क्या आएगा सम, जीरो आएगा, तो यानी क्या हुआ एफ ए प्लस एफ बी और वन बाय में डेल्टा टी और इनटू में क्या हो गया जीरो, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय जीरो क्या होता है जीरो, तो एफ ए इक्वल्स टू में नेगेटिव ऑफ एफ बी, यानी एक्शन इक्वल्स टू में क्या आ गया रिएक्शन, हमने ये क्या था यहां से आता क्या था, ये सेकेंड लॉ था, ये क्या था, लेकिन नीचे क्या आ गया, एंड सेकेंड लॉ कंसिस्ट विद थर्ड, सेकेंड लॉ कंसिस्ट विद थर्ड लॉ, ये भी प्रूफ कर दिया हमने। अब देखिए भैया इस पे यहाँ पर एक छोटा सा लॉजिक आता है, लॉजिक भी क्या ही है, ठीक है आपको बता दूं, एक बॉडी के ऊपर
एक फोर्स लग रहा है F1 और दूसरा फोर्स लग रहा है F। अगर मैंने बोला F1 F2 से ज्यादा होगा तो इस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। ये बॉडी अच्छा F1 F2 से ज्यादा है तो विनीता ये कहाँ जाएगी, F1 की डायरेक्शन में F2 की डायरेक्शन में? F2 की डायरेक्शन में क्यों जाएगी? अगर F1 ज्यादा है F2 कम है तो ये कहाँ जाएगा, F1 की डायरेक्शन में। और नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, F1 माइनस F2, ये नेट फोर्स होगा। और आपको बता दूं जो जो नेट फोर्स होता है बॉडी के मास इंटू में उसके एक्सीलरेशन के बराबर आता है, मास इंटू में एक्सीलरेशन, ये चीज ध्यान रखना ठीक है भैया। अब इसी के ऊपर बेस्ड है बहुत सारे टॉपिक्स बेस्ड है ठीक है, जैसा पहले टाइम खत्म हो गया ठीक है, आपका ये लिफ्ट प्रॉब्लम, लिफ्ट प्रॉब्लम का 3 केस है। अगर लिफ्ट आपकी ऊपर जा रही है ए एक्सीलरेशन से, अच्छा आर क्या होता है, अपरेंट वेट होता है, एम जी क्या होता है, रियल वेट होता है। अगर बॉडी ऊपर जा रही है, ये एम मास आपकी बॉडी ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब आर क्या होगा, एम जी से ज्यादा होगा, यानी अपरेंट वेट क्या है ज्यादा, रियल वेट क्या है कम है, यानी जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो आपको महसूस ज्यादा होगा लेकिन एक्चुअल में कम होगा। इक्वेशन बनाइए तो ऊपर ज्यादा है ये नीचे कम है, तो आर माइनस बराबर है मास इंटू में एक्सीलेशन, ये पहले इक्वेशन आ गई। अगर यही लिफ्ट आपकी नीचे आ रही है एम जी और ये ऊपर लग रहा है आर, और लिफ्ट कहाँ आ रही है ए से।